मैंने पहले सिर्फ इसका एक दो लाइंस लिखी थी और कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, करते नहीं हो जाती हैं, हमारी शायरी में भी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें आपकी खुद ब खुद हो जाती हैं, कुछ जानबूझकर की जाती हैं। तो इसमें पहले हमने राहुल को भी जोड़ा था कि सलमान कंवारा है जब तक, तब तक ना मैं शादी करने की, राहुल भी कंवारा है जब तक, तब तक ना मैं शादी करने की, किसी फिल्म के लिए एक आइटम सॉन्ग लिखा था। बाद में हमने इसको पूरा सलमान खान की तरफ इसको पूरा हमने फोकस कर दिया। और बस ये है कि एक चीज़ दिल से हुई है, मैं हमेशा मैंने कहा मैं दिल की शायरा हूँ, दिल से बात करती हूँ, दिल से कहती हूँ, बस दिल से कह दिया, हो गया। और जब हमने पूरा सलमान पे पूरा फोकस किया तो फिर और फिर जहन में कहीं ना कहीं हमारे फिर पपेट भी आए, फिर मेरे जहन में दिलीप जी भी आए, फिर मेरे जहन में राजस्थान भी आया, वो सब मिला मिलो के पूरा एक गाना बना। और वहीं पर उसी वक्त ऐसा कि ये मेरा बेटा है और निर्देश अल्ताश, तो इसने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मी आज के गानों को आप थोड़ा सा मॉडर्न उसमें भी जोड़ो। तो मुझे ये बात भी क्लिक की कि हाँ वाकई हमारी हर जो भाषाएं हैं इतनी खूबसूरत है, जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बस ये कि उनको थोड़ा सा वक्त के साथ चलाने की ज़रूरत है। लोग उसको पिछड़ा मान देते हैं, पिछड़ा मानते हैं, भाषाएँ पिछड़ी नहीं होती, हम उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं इस बात पर डिपेंड करते हैं। तो जब इसने मुझे कहा तो मुझे ध्यान आया, तो वहाँ से जस्ट चिल चिल भोमड़ा लसुड़ा कुल कुल बना। दिलीप जी ने मुझे बोला कि हाँ इसमें हम लेके चलते हैं रैप वगैरह सब डाल के मॉडर्न, क्योंकि उसको लेके चलते हैं, तो बीच के पोर्शन को हमने रैप कर दिया। और पहला जो एक है कि वो खुद ब खुद आया, बाकी फिर हमने कोशिश की। तो बस ऐसे गाना मेरे ख्याल से पोएट्री राइटिंग जो चीज़ है वो इसी तरीके से होती है, पहले कोई चीज़ दिल से निकलती है, कभी कभी किसी खास मौके के लिए कही जाती है, कभी कोई आपको कहता है कि आपको इस विषय पर कहना है, तो दिल से बात निकली थी, दिल से निकलते निकलते आप लोग तक पहुँच गए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, गाना जो है जब आप कोई भी पिक्चर का गाना हो या प्राइवेट गाना हो, इनमें बहुत दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इसलिए बताऊँगा कि फिल्म के गाने में हम थोड़े फ्री हो जाते हैं, लिबर्टी ले लेते हैं, हमारे पे उतनी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी डांस डायरेक्टर ले लेता है, सिंगर ले लेता है, प्लस प्रोड्यूसर ले लेता है, उसके साथ में हीरो हीरोइन ले लेते हैं, लोकेशन ले लेता है। बट जब आप एक प्राइवेट गाना करते हैं, प्राइवेट एल्बम के नाम से करते हैं, तो उसमें जो कुछ भी है तो आपकी धुन है और आपका ट्रीटमेंट है। और जब ये गाना हम लोगों ने कंपोज किया, मतलब लता जी के साथ बैठ के मैंने, तो कोई कठिनाई तो इसलिए नहीं हो सकती कि इतनी फिल्में कर चुका हूँ, बट गाना मासिस भी हो, अदबी भी हो और सुनने में भी कुछ अच्छा लगे, नया भी लगे। और मैं एक बात इनकी बात को आगे चलते हुए मैं बता दूँ आपको कि गाना जब प्राइवेट एल्बम का करते हो तो उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है, और फिल्म का जब करते हैं तो उसमें उतना ध्यान तो दोनों में रहता है, बट थोड़ा सा डरते नहीं हम उससे, मगर इसमें डर ज़्यादा लगता है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लता जी शायद सहमत रहेगी कि डिंगल और पिंगल जो हमारी भाषा थी, जो रैप बोलते हैं ना हम, मैं बेसिकली डांस मास्टर था, ये सभी को पता है, ऑलमोस्ट डांस मास्टर से मैं टर्न होकर म्यूजिक डायरेक्टर बना, तो जो छंद होते हैं हमारे तो वही रैप होते थे, जैसे हनुमंत की लपेट दिल अंगूरी की तपेट दिल उसको तपेट दे रपेट था कला ने बजे न कच्चे तो हो तो कटाखट गिरे से फटाफट पट्टी पट्टी पट, इसको कहते हैं हनुमान तांडव। इसी तरीके से था के जटा कटा है जम्बर में भरमन नलिम पनीर जरी विलोल विच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 वलल्ला टपट टपाव किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण में, ये भी आपके एक रैप की सॉन्ग। इसी तरीके से जब अवधि बनी, गेंद के संग कूद के बालक जमुना जल बैठे दाय के नाग नाग नी कर दह कीड़ा, ये संस्कृति हमारे सदियों से, पीढ़ी से नहीं सदियों से चली आ रही, युगों से चली आ रही। आज के जो मॉडर्न में कहते हैं ना, हाँ लिबास तो हर वक्त आपका चेंज होगा, मैं ये समझता हूँ मेलोडी वही रहनी चाहिए, संस्कृति वही रहनी चाहिए, प्रेजेंटेशन का अंदाज एक अलग होना चाहिए। जैसे जस्ट क्या चिल चिल भोमड़ा लसुड़ा कुल, अब भोमड़ा जैसे भोमा है, ये हमारे यहाँ जो भोपा भोपी के नाम होते हैं उनको इन्होंने उन नामों को लेकर उसमें रसुड़ा कुल, अब जैसे रसिया है, अब किसी चीज़ को रसिया रसुड़ा, अब वो एक बोलने में बड़ा अच्छा होता है, लाड में जैसे कहा जाता है ना, तो रसुड़ा कुल कुल, अब ये कुल कुल शब्द हम लोगों ने इंग्लिश से चुरा लिया, समझ गए। तो ये कई चीज़ें ऐसी है, और इस जो इस एल्बम को सक्सेस में अगर मैं समझता हूँ मेरे साथ, मेरे म्यूज़िक के अलावा अगर कुछ है तो वह शब्द जो इन्होंने साफ सुथरे ऐसे लिखे कि आप अपने घर में ये एल्बम देख भी सकते हैं, किसी को सुना भी सकते हैं, और जो इन्होंने कठपुतलियाँ ली तो उससे ये कि बच्चे भी उसमें इंजॉय करेंगे, तो काफ़ी कुछ हिंदुस्तानी कल्चर के अलावा बाहर के कल्चर वालों के लिए भी है, क्योंकि हमारे ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि आज विदेशी लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं और हम लोग उनका अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके जैसा हम लोग बन नहीं सकते। हमारे में अभी भी सभ्यता है कि हमारे घर में माँ बाप भाई बहन इनके एक जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं
वो अभी तक कायम है, और जब तक वो रिश्ते कायम रहेंगे हमारे यहाँ से संस्कृति जा नहीं सकती, और ना ही संगीत का दौर चेंज हो सकता है। कई लोग मुझसे कहते भी हैं कि आजकल का, मैंने बोला सब दौर का म्यूजिक अच्छा होता है, बट इतना है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें आप कॉर्पोरेट को बेचारे को बदनाम मत कीजिए। इसमें अगर आपको किसी को दोष देना है वो है इंटरनेट। आज क्या हो गया, जैसे अभी हम लोग कोई फिल्म के भी, अगर आप आज की डेट में, मेरे पोता जैसे, मेरा हमारी फोर्थ जनरेशन है, मुझे बोलते हुए फख्र हो रहा है, मेरा पोता यानी सोहेल सेन जी भी बहुत बड़े संगीतकार हैं जिनके काफ़ी फिल्में चली, गुंडे, एकता टाइगर वगैरह चली। आज अगर उसके भी म्यूज़िक का आप लेने जाएंगे तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से। तो म्यूज़िक कंपनियाँ कहीं ना कहीं विवश हो गई, मतलब मजबूर हो गई कि अभी सीडियाँ, हम लोगों ने एक एल्बम किया था राजस्थानी, जब हमने विनस ने उसे रिलीज़ किया तो चंपक जी ने कहा कि दिलीप भाई वो एक गाने की तो सीडी बनेगी नहीं, और सीडी आजकल लोग खरीदते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक के ऊपर जो वार हुआ है वो म्यूज़िक कंपनियाँ तो शुरू से ही चाहती थी, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी को तो अपना एल्बम बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। अब उनके पास क्या हथियार के नाम पे आ गया इंटरनेट। तो इंटरनेट की वजह से म्यूज़िक कंपनियों ने भी क्या किया कि अपना दायरा समित करके इंटरनेट पे सब चीज़ें चली गई। नहीं तो पहले आपको कैसेट मिलती थी, फिर उसके बाद में सीडियाँ बनी, अभी तो पेन ड्राइव आ गया कि एक पेन ड्राइव में जितने चाहो जिसका चाहो गाना भर सकते हो आप। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा फ़र्क हम लोगों में पड़ा है। मगर हाँ, अगर अच्छा म्यूज़िक है, जैसे कि ये गाना जो अभी हमारा हुआ है, तो इसकी हम ज़रूर सबसे कहेंगे कि इसकी सीडी बनेगी बाकायदा। और सबसे अच्छी बात ये है कि लता जी की खुद की म्यूज़िक कंपनी इसको रिलीज़ कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अगर मीडिया हमारा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मीडिया अगर सपोर्ट करते, क्योंकि मीडिया एक माई बाप है हम लोगों की, हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हर आदमी चाहता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, बड़ा हो या छोटा हो, अगर मीडिया ने उसे चढ़ा दिया और प्यार कर दिया तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के जरिए वो घर घर पहुँचेगा। जब ये जो आप लोग दिखाओगे घर घर तक, तो लोग बाकायदा इनको ढूंढते आएंगे कि लता हया जी कहाँ हैं, इनकी जो म्यूज़िक कंपनी वो कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, बाकी आप बताइए। देखिए, ऑफकोर्स जब मीडिया चाहे तो कहीं भी पहुँच सकती है, और सलमान जी को तो मेरे ख्याल से या तो पहुंच गया होगा, नहीं तो मीडिया पहुंचवा देगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो जो मीडिया है वो हवा होती है, जो लोग होते हैं, जो हमारे सुनने वाले दर्शक होते हैं, जो जनता होती है, वो हवा होती है। आप लोग उसको आंधी बन के फैला सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया अक्सर जो है सिर्फ भागती है फैशन के पीछे, ठीक है, वल्गैरिटी के पीछे, और अगर मैं कहूँ, गलत बात नहीं बोलूँ, तो नग्नता के पीछे, मसाले के पीछे। हम साल भर शो करते हैं, हिंदुस्तान में 365 दिन कवि सम्मेलन मुशायरे होते हैं, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन मीडिया उसको कवर नहीं करता। मीडिया कवर करता है फिल्मी पार्टियों को, जहाँ पे दारू पी के रोज़ तोड़म ताड़ी होती है, जहाँ पे उटपटांग बयानबाजी होती है, गाली गलौज होता है, या नेताओं के उसको कवर करते हैं, जहाँ नेता एक दूसरे पे जो लांछन लगाते रहते हैं, कभी साफ सुथरी चीज़ के पीछे कम भागा जाता है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ फेम इंडिया का और मुंबई फिल्म एकेडमी का कि उन्होंने हमको ये मौका फराहम कराया। दूसरा, मीडिया का इतना बड़ा हाथ है क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ी हुई, बेशक मैं फिल्म लाइन में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सीरियल्स किए और मैं स्टेज पे कई सालों से हूँ, और अभी तो स्टेज पे भी इतना हो गया कि नेट ने, सोशल मीडिया ने, जो नेट है, यूट्यूब है, उसने हमको दूर दूर तक फैला दिया। देखिए, इसका ही हमारे ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे आए हुए हैं, और हम जो मंचों पे जो पढ़ते हैं वो पूरे दुनिया भर में बात पहुँच जाती है, उसका हमको वहाँ भी फ़ायदा हुआ कि हम पूरी दुनिया तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उसको, ये अलग बात है कि उसको उस मीडिया ने कवर नहीं किया कि जहाँ बच्चा बच्चा जानता हो कि भाई ये भी एक शख्स है, ये अपना यहाँ पे अपनी पहचान रखता है। जब मैंने ये गाना लिखा तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं, क्योंकि उर्दू मंचों से जुड़ी हुई हूँ, मैं कहीं ना कवित्री भी हूँ,
वो एक अदब और वो एक दायरा मेरे साथ हमेशा चलता है। मैंने कभी भी हया पर लता को हावी नहीं होने दिया, चाहे वो उर्दू मंच हो चाहे कुछ भी। मैंने अगर सीरियल्स में भी काम किया है तो किया है। तो मुझे ये आया कि लोग जब जैसे जब मैंने इस फील्ड में जब कदम अभी जैसे रखा ही, क्योंकि ये म्यूज़िक कंपनी खोलने से पहले मैं अपनी भी अकेडमी भी खोल चुकी थी। मैंने वर्कशॉप वगैरह, एक्टिंग की वर्कशॉप वगैरह हम भी लगाते जाते हैं, लेक्चर वगैरह होते हैं। तो मुझसे जो सवाल मैं आप लोगों को जो बोलना चाहती थी वो ये कि कई लोगों ने मुझे फेसबुक पे कहा कि आपने अपने मयार से गिर के ये स्टेप उठाया है, ठीक है, जब उनको पता चला कि मैं गाना गा रही हूँ और मैंने राजस्थानी रैप लिखा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ग्लैमर को आप मयार से गिरा हुआ क्यों मानते हैं? ये भी है, अगर हम बोलें कि अदब बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म लाइन जो है वो छोटी हो गई, या जो आर्टिस्ट है, जो फिल्म आर्टिस्ट है वो छोटे हो गए, फैशन की लाइन छोटी हो गई, मीडिया की लाइन है वो छोटी हो गई। नहीं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है, ठीक है। कैसे हमने गिर के काम कर लिया, अगर हम किसी चीज़ को सलीके से पेश कर रहे हैं, अपनी हिंदुस्तानी तहजीब के दायरे में पेश कर रहे हैं और साफ सुथरे तरीके से पेश कर रहे हैं, तो कहाँ से गिर गया? तो मुझे अदब के लोगों से भी, मुशायरे वालों से भी और कवि सम्मेलन वालों, उनके दर्शकों से भी मुझे ये कहना है कि फिल्म लाइन को इतना बुरा मत मानिए, बुराई हर जगह, बुराई अदब के मंचों पे भी है, ठीक है। तो इस हमने मयार से गिर के नहीं, ये ज़रूर कोशिश की है कि एक जो हिंदुस्तानी संस्कृति को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बात मुझे खटकती थी, रैप जो भी आ रहे हैं और जिस भी तरीके से गाने आ रहे हैं उसका केवल तुकबंदी जो होती है ना, तुकबंदी केवल कर रखी है। एक तुकबंदी में भी एक शायरी हो, एक नफासत हो, एक एक नज़ाकत हो। ये नहीं कि कोई भी लाइन उठा के कहीं पे भी रख दी। तो मेरे जहन में आया कि एक ऐसा रैप पेश किया जाए जिसको बच्चे भी एंजॉय करें, जिसको कोई बड़ा बूढ़ा, क्योंकि बड़े बूढ़े अक्सर ये क्या क्या लिखा जा रहा है आज के दौर में, ये क्या है, ये कोई वो होता है, ये कोई गाना होता है। और यकीन जानिए, हमने जो टीज़र अगर अपनी फ्रेंड्स को सुनाया, हमने कुछ बड़े लोगों को भी सुनाया, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा लगा सुनने में, मज़ा आया, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो रैप का मतलब केवल शोर शराबा नहीं होता, रैप का मतलब केवल नकल नहीं होता, रैप का मतलब केवल पश्चिमी संस्कृति के वो ही नहीं होते, रैप का मतलब केवल इंग्लिश अल्फाज को डालना नहीं होता। एक साफ सुथरी सार्थक चीज़ जो जस्टिफाई करे एक, उसको वो रैप होता है। तो मुझे दिलीप जी के पास मैं इसलिए कि मुझे 101% में श्योर थी, पहले मैं 2-3 जगह कही, मुझे लग रहा था कि इस गाने के साथ जस्टिस अगर कोई कर सकता है, इंसाफ कोई कर सकता है, तो दिलीप जी कर सकते हैं, क्योंकि मूड इसका फोक था, लैंग्वेज इसकी राजस्थानी थी, और म्यूज़िक मुझे चाहिए, मुझे रैप का एकदम कान फाड़ू म्यूज़िक नहीं चाहिए था कि कुछ भी उठा के डाल दो, मुझे बहुत मेलोडी चाहिए थी अच्छी सी, जो सूदिंग कान को सुनने में अच्छे लगे, आप एक जिसको सुन के अलग ही उसमें चले जाए। अगर आपने लास्ट में टाइटल सॉन्ग के जो सुना होगा म्यूज़िक का बिट, उसको हमने अलग से निकलवाया, वो भी सजेशन इसका था, उसको हमने अलग से निकलवा के टाइटल पे वो डाला। आप सिर्फ उस म्यूज़िक के बिट को भी अगर सुनते रहेंगे, अगर आप लफ्ज़ नहीं सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा देगा। तो म्यूज़िक वो होता है जो आपको मज़ा देता है। तो मुझे मालूम था कि जिस संस्कृति की मैं नुमाइंदगी करना चाहती हूँ वो दिलीप जी के भी दिल के करीब है, हम दोनों राजस्थान के, इस लैंग्वेज से अच्छी तरह से वाकफियत रख सकते हैं। रैप में जो म्यूज़िक चाहिए था, जो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दे सकते थे, इसलिए मैं कई जगह घूम के वहाँ पे आई। और यकीन जानिए, हम आप बिलीव नहीं करेंगे, हम दोनों भाई बहनों ने मिलके कितनी मेहनत की, हमारी भाभी जी इस बात की गवाह है, हमने रात बेरात नहीं देखी, आंधी तूफान नहीं देखे, आसपास घर है तो बस एक रात को 12 बजे बैठे, ऐसा है ऐसा, हमारी बहस भी होती थी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वैसा नहीं, अरे नहीं इसको ऐसा करो, इसको ऐसा बनाओ, फिर मेरी इनसे बहस होती थी, फिर जाके इन्होंने बोला नहीं अपन थोड़ा सा इसको, हाँ ये सही, इसको थोड़ा सा मॉडर्न टच देते हैं, कहा मॉडर्न टच देते हैं, तो फिर ये यहाँ से मेरे को मॉडर्न या आधुनिक भी मिल गए। तो क्या है कि हमारी तीन पीढ़ियाँ, बहुत अच्छा हो गया, 3-4 पीढ़ियाँ मिल गई, इसलिए वो एक अच्छा बड़ा अच्छा सा जो है वो गाना बन पड़ा। और आप लोगों से मैं यही चाहती हूँ कि हमारे हक में दुआ कीजिए, और हमें ये भी डर था कि सलमान खान की हमारे गाने से पहले सलमान खान की शादी ना हो जाए, हम चाहते हैं कि उनकी शादी हो, लेकिन मेरा गाना लिखा हुआ 1.5 साल से पहले पड़ा था, तो हमने कहा उनकी शादी से पहले हमारा गाना कम से कम हम मार्केट में दे दें। और हमें बड़ा इन्होंने ये सोचा कि सलमान का नाम और सलमान का कुमारापन वो कितना मदद करेगा एल्बम को, क्योंकि सलमान जैसे आपने कहा एक बहुत ही ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दा हो गया सलमान की शादी। जी जी जी, वही मैं बोल रही हूँ, मगर हमारा मुद्दा नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है वो, हमारा मुद्दा नहीं। एक्चुअली मैंने आपसे बोला था बस कुछ चीजें हो जाती हैं, ठीक है, तो बस ये हो गई, मुझे खुद नहीं मालूम कैसे। देखिए दुआ देने के कई तरीके होते हैं, बिल्कुल, तो हम दोनों भाई बहन ने मिल के सलमान जी को एडवांस में ये दुआ पेश की है
और इसको एक हंसी खुशी में पेश, जैसे आप देखे होंगे कि लेडीज संगीत जो होते हैं वो छेड़छाड़ के होते हैं ना, जैसे लेडीज संगीत का मतलब क्या है, लेडीज संगीत में जेंट्स को अलाउड नहीं किया जाता है कि भाई यहाँ सिर्फ औरतें होती है, तो उसमें छेड़छाड़ के गाने गाती हैं। तो हम लोगों ने जेंट्स और लेडीज़ को मिक्स करके गाना बनाया कि सलमान की जब शादी की रस्में हो रही हो या मेहंदी वगैरह लग रही हो, पीठी लग रही हो, तो उस वक्त ये गाना साइड में चलता रहे कि भाई ऐसे दो प्यारे से बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने तुम्हारी शादी से पहले इस तरीके का गाना गाया, समारोह है तब तक ना, तो शायद ये सोच के उन्होंने शादी जल्दी करने की कोशिश की। तो हम समझते हैं हिंदुस्तान भर की दुआएं दुआएं हैं, ये दुआ है हमारी तरफ।